सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स एवरीबॉडी, दिस इज मी अमित सोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, तो एक्चुअली आज हम लोग का प्रैक्टिस था सिंगिंग का। मैं गाता हूँ और ये जीतू भैया जो कि ये भी गाते हैं, एंड ये हमारे कौशल भाई जो कि म्यूजिशियन है, ये बजाते हैं तबला, नाल और ऑर्गन, ये सब कुछ बजा लेते हैं। तो वहाँ से प्लान क्या बना कि आज प्रैक्टिस छोड़ो, आज चलते कहीं घूमने। तो हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया और आज हम लोग जा रहे हैं भटिंडा घूमने। तो एक्चुअली इनके गाड़ी में तेल नहीं था, ये जीतू भैया के गाड़ी में, तो ये बोले कि तेल तुम लोग डलाएगा, तो ये मेरे पे सौंप दिया कि 30 रुपया तुम दो और 30 रुपया हम देते, तो 60 रुपया का तेल होगा। और ये बोले कि वहाँ का खर्चा मैं दे दूंगा। खर्चा में आप सुन लीजिए क्या, कुरकुरे लेस, आप सोच सकते हैं इससे हमारा पेट कितना भरेगा। एंड और ये 10 रुपया अपनी मम्मी से मांगे हैं। तो चलिए अब आगे का अपडेट वहीं चल के देते हैं। अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस, तो गाड़ी इधर पार्क करना होगा। एंड आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बहुत से लोग पिकनिक मना रहे हैं। एक्चुअली ये पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा काफी खूबसूरत है। आई मीन टू से दैट कि अगर आप लोग लोकल हो तभी यहाँ पे आओ गाइस, वरना आप लोगों को दूर से आने का कोई जरूरत नहीं है। ये उतना भी ज़्यादा खास प्लेस नहीं है, इससे भी अच्छा अच्छा प्लेस है। एंड अगर आप लोग यहाँ आते हो गाइस, तो ये पानी देख कर ज़्यादा बौखलाएं नहीं, क्योंकि इस पानी ने बहुत से लोगों को अपने अंदर समा लिया है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए एक छोटा सा पार्क बनाया गया है।
सो हम लोगों ने भटिंडा फॉल में काफ़ी इन्जॉय किया गाइस। एंड अगर आप लोगों का आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लव यू ऑल।